मैं डिंपल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज का जो हमारा बागवानी की बातों में जो विषय है उस वो बहुत ही सीरियस है और आने वाले आजकल का समय है या आने वाले समय में वो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा नुकसान करती है एक फार्मर को उसके सेब के बगीचों में या नाशपाती में या दूसरी चीज़ में, और वो जो जिस की बात हम कर रहे हैं वो है हमारी माइट, चाहे वो पियर की रस्ट माइट हो, चाहे टू स्पॉटेड हो, यूरोपियन रेड माइट हो। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या हमारा फार्मर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे आप उसको उससे नुकसान से अपने बगीचे को बचा सकते हैं। बहुत सारे फार्मर बोलते हैं कि इस साल हमारी क्रॉप थी, माइट आई थी, अगले साल फूल नहीं आया या बीमा वीक आया, तो उसमें कहीं ना कहीं रोल हमारी माइट का भी होता है। पिछले वर्ष भी हमने एक वीडियो बनाई थी, इस वर्ष फिर से हम एक वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। और इसी विषय आज मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि आज हमारे पास कीट विषय विशेषज्ञ संगीता शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है, और ये हमारे मशोबरा रिसर्च सेंटर में कार्यरत है, एंटोमोलॉजी साइंटिस्ट है हमारे। तो आज ये आपको जानकारी आज माइट की भी देंगे, हम उसके फ्रेंडली कीड़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे फार्मर को बताइए कि माइट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या टेम्परेचर के साथ साथ कैसे बढ़ता है ये, कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, इसको कैसे हम कंट्रोल करें, और जो भी सारी चीज़ें हैं पहले आप हमारे को यूरोपियन रेड माइट और टू स्पॉटेड आइडेंटिफिकेशन करवाइए हमारे फार्मर को, उसके बाद हमारे माइट रस्ट माइट के बारे में बताइए, और उसकी बचाव के लिए और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर ऑलरेडी माइट आ चुकी है वो चीज़ें आप बताएं, और उसके जो फ्रेंडली कीड़े हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में। जितने बागवान भाई बहन हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं पांचटा जी के सहयोग से समय पर कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों को माइट के बारे में अवेयर करते रहे। जैसे कि पांचटा जी ने कहा पहचान के बारे में, तो हम चाहेंगे कि फार्मर को हम चित्र के द्वारा वो पहचान करवाएं। जैसे हमने देखा है कि बगीचों में मेन जो है यूरोपियन रेड माइट का या टू स्पॉटेड माइट का प्रकोप रहता है। अगर हम यूरोपियन रेड माइट की बात करते हैं तो यूरोपियन रेड माइट जो है वो स्पाइडर वर्ग से बिलोंग करती है, जैसे कि आपकी मकड़ी होती है उसकी तरह लगती है। अगर हम यूरोपियन रेड माइट की बात करें तो वो देखने में इस तरह से दिखाई देगी, और उसके सर्दियों के अंडे इस तरह से आपकी डंडियों पे दिखाई देंगे। जो आपके हम HMO की रिकमेंडेशन देते हैं वो इसलिए देते हैं कि जो ये माइट के अंडे हैं वो फूट ना पाए। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि माइट के जो अंडे उसमें से इस तरह से लार्वा निकलता है, और ये फिर कई निम्फल स्टेजेस से होकर गुजरता है और लास्ट में इस तरह से एडल्ट बनता है। ये जो है आपकी मादा माइट है, और ये जो है ये नर माइट है। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है। मैं अभी आपको बागवान भाई पहचान करवा रही हूँ, मैं इसके बाद इसके लक्षण और इसका जो उपचार है उसके बारे में बताऊँ। ये है दूसरी आपकी टू स्पॉटेड माइट। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें दो स्पॉट है इसकी पीठ पे, इसलिए इसका नाम टू स्पॉटेड माइट है। हमने यूरोपियन रेड माइट के अंडे लाल रंग के देखे, और इसके जो अंडे है वो बिल्कुल आपको मोती के आकार के दिखाई देंगे। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे नाशपाती, क्योंकि अब फार्मर्स का नाशपाती की तरफ भी बहुत रुझान हो गया, तो नाशपाती पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है वो है हमारी रस्ट माइट की। जो हमने अभी दो माइट देखी उसमें आप देखेंगे कि जो रस्ट माइट है इसकी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट है जो आपकी टू स्पॉटेड माइट है या आपकी यूरोपियन रेड माइट है। ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ऐसे लगेगा जैसे कि एक कील सी रखी हुई है। जैसे हमने बात की यूरोपियन रेड माइट या टू स्पॉटेड माइट, उसमें हम बोलते हैं कि ये मकड़ी की तरह दिखती है, और जैसे कि हम जानते हैं कि मकड़ी की 8 टांगें होती है, लेकिन इसकी आपको 4 ही टांगें दिखाई देगी, और वो भी आगे के पोर्शन पे होती है। इसलिए ये बिल्कुल इसकी शक्ल सूरत जो है वो आपकी यूरोपियन रेड माइट और टू स्पॉटेड माइट से अलग है। दूसरे जो इसके लक्षण है, जब ये रस चूसती है तो इस तरह से रस्टिंग आपके फ्रूट पे दिखाई देती है। जब ये फ्रूट पे दिखती है तो उस समय तक फार्मर का बहुत नुकसान हो चुका होता है, और इस तरह का जो फ्रूट है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। ये जो ये वाला पोर्शन है इसमें भी आपको माइट दिखाई देगी। ये जैसे हमने इसको एनलार्ज किया है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इस तरह से ये पड़े होंगे। जैसे आपको अभी तो ये बड़े दिख रहे होंगे, पर ये नंगी आंख में दिखाई देते हैं। ये हमने उसमें हमने आपको बताया है कि जो माइट है वो रस चूस के नुकसान करती है, और इस तरह से जो ग्रीन बिल्कुल हरे रंग का जो पत्ता है वो माइट के रस चूसने के से इस तरह से आपके ब्रॉन्जिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं तांबे के रंग में
परिवर्तित हो जाता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगी कि लाइफ साइकिल कैसे चलता है, जैसे कि सर्दियों में माइट जो है सर्दियों के अंडे देगी इस तरह से जो डंडियों में या कटे फटे भागों पे होंगे, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो ये माइट के अंडे जो है फूटने शुरू हो जाते हैं। जब माइट के अंडे फूटते हैं तो नई नई पोंपले आनी शुरू होती है, फिर ये वहाँ पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पे समर एग्स आते हैं जो आपके आजकल लीफ पे दिखाई देंगे वो समर एग होंगे। अगर हम आजकल देखेंगे तो ये सेकंड या थर्ड जनरेशन तक आपकी जो माइट है वो पहुँचने लगी है। जैसे कि अब क्लाइमेट चेंज हुआ है तो कई बार जो है टेम्परेचर आपने देखा होगा कि फरवरी में ज़्यादा हो गया था तो ये मार्च एंड में भी फूटने शुरू हो गए। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो गया तो हमने अभी तक जितने भी वापस सैंपल आ रहे हैं तो हमने उसमें देखा कि माइट की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। अब जैसे जैसे माइट का टेम्परेचर बढ़ेगा और सूखा रहेगा तो आपके बगीचों में जो टू स्पॉटेड माइट है जो अब यूरोपियन रेड माइट के साथ साथ आनी शुरू होगी उसका प्रकोप बढ़ना ज़्यादा हो जाएगा। और जबकि आपकी जो यूरोपियन रेड माइट है उसमें अगर मॉइस्चर मिलता है और टेम्परेचर आपका 19 से 21 डिग्री का अगर उसको मिलता है तो फेवरेबल कंडीशन हो जाती है उसकी मल्टीप्लीकेशन के लिए। जबकि जो ये टू स्पॉटेड माइट है जिसको हम पॉली हाउस माइट भी बोलते हैं, ये ज़्यादातर हम जो कार्नेशन या फूल वगैरह लगाते हैं पॉली हाउस का जो लोग काम करते हैं या बीन है उसके ऊपर इसका प्रकोप अधिक रहता है। तो जितना ड्राई अगर हम नेचुरल कंडीशन की फील्ड की बात करें तो जितना ड्राई पीरियड होगा उतनी आपकी टू स्पॉटेड माइट फैलती है। जैसे कि हमारी मजबूरी है कि हमारे को जालियाँ डालनी पड़ती है अपने पेड़ों को ओले से बचाने के लिए, तो वो फेवरेबल कंडीशन आपकी यूरोपियन रेड माइट के आक्रमण को बढ़ाने में कर देती है। जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि लास्ट स्टेज है, इसमें बिल्कुल आपके तांबे के रंग के पूरे पत्ते हो गए। तो आपने इस स्थिति तक नहीं पहुंचना, आपने पहले देखना कि इस तरह से मेरे पत्ते तो नहीं फीके होने शुरू हो गए, तो इसका मतलब कि आपके स्प्रे करने का समय आ गया। जैसे आजकल का समय है तो आजकल बागवान भाइयों आप लोग HMO का स्प्रे कर सकते हैं जिसकी डोज जो है वो रहती है अब आपकी आधी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि 2 लीटर आपको एक ड्रम में डालना। जबकि जो ये विंटर एग्स थे ये आपने हरित कली अवस्था पे 4 लीटर डाला होगा। इसका ये फायदा है कि आपके जितने भी मित्र कीट है जिसकी हम अभी आपको पहचान रहेंगे, अगर आप माइट की बात करें तो ये हमारी मित्र माइट है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये मित्र माइट है। तो अगर आप HMO का स्प्रे करते हैं तो ये इनके लिए सेफ रहता है और मित्र माइट को कोई नुकसान नहीं होता। जबकि इसकी जगह अगर हम एकेरिसाइड या आपके इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो जैसे आपके लेडी बर्ड बीटल है, ये आपकी सिरफिड फ्लाई है, इन सब को नुकसान हो जाता है क्योंकि माइट के अलावा भी बहुत से कीड़े हैं जो फार्मर को बगीचे में नुकसान पहुँचाते, तो हमने उनका भी ध्यान रखना है ताकि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े और हमारे को इंसेक्टिसाइड की तरफ ना जाना पड़े। इसके अलावा कुछ प्रीडेट थिप्स होते हैं जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये भी आपके फायदेमंद कीट है। कुछ एक ग्रीन लेस विंग बोलते हैं हम उसका लार्वा, ये आपके एफिड वगैरह उनको चट कर जाता है। इसके अलावा एंथोकोरिड बग है जो इस तरह से काले रंग का, ये सीजन में थोड़ा लेट आता है पर ये भी एक बहुत ही अच्छा किसानों के लिए मित्र कीट है जो माइट की जनसंख्या को कंट्रोल करने में बड़ा फायदेमंद साबित होता है। अगर हम जैसे पियर रस्ट माइट है जिसका बहुत अधिक प्रकोप हो रहा है तो हम इसके लिए कोशिश करते हैं कि जो आपका पेटल फॉल है, जो पियर का पेटल फॉल की मैं बात कर रही हूँ, उस समय अगर आप HMO या फिर कोई एकेरिसाइड का इस्तेमाल करें तो हम कोशिश करते हैं कि ये फ्रूट पे जाने से पहले आपको इसको कंट्रोल कर पाए। अगर हम बात करते हैं आपके टू स्पॉटेड माइट की या यूरोपियन रेड माइट की कंट्रोल की, तो हम कोशिश करते हैं कि मिक्सिंग ना करें। जैसे कि लोग आजकल फंजीसाइड भी डाल रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं आपके, वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। अभी इसके ऊपर काम हो रहा है और अभी हम काफ़ी अर्ली स्टेज पे, पर इसका हम बहुत ही जल्दी आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे। पर एक मोटा सा जो आइडिया है तो उसमें आपने HMO के बीच में कभी भी जो सल्फर फंजीसाइड है वो नहीं डालने हैं, और या जैसे कैप्टान है इसकी इनकम्पेटिबिलिटी पाई गई है और इसको जो है वो हम लैब में स्टडी करते हैं, उसके बाद जो कम्बिनेशन आते हैं उसको हम फील्ड में लेके जाते हैं। तो इसका एक कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें कि हम इसकी pH वगैरह देखते हैं, इसकी ये चीज़ें हैं जो फार्मर के कंट्रोल में नहीं है, तो हम उसमें pH में देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन pH में आती क्या करते हैं हम, कोई भी फंजीसाइड है या आपका इंसेक्टिसाइड है या HMO, उसकी पहले हम सिंगल मतलब अकेले अकेले उसकी pH लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम उसको में फंजीसाइड डालते हैं या इंसेक्टिसाइड डालते हैं फिर हम उसकी pH को आधे घंटे के बाद या उसको हम 48 ज़्यादातर हम इसको 24 घंटे तक कोशिश करते हैं कि pH में कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही है। अगर न्यूट्रल है न्यूट्रल से वो एल्केलाइन तो नहीं हो रहा है
या वो अम्लीय तो नहीं हो रहा है, तो अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी वेरिएशन आ जाए तो हम इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है उनको आगे लेके नहीं जाते। या मैक्सिमम हमने देखा है कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स फंजीसाइड और एचएमओ को मिलाते हैं तो एक ऑयली सी लेयर आती है, या क्या होता है कि नीचे बैठ जाएगा जो पाउडर फॉर्म में होगा, सेडिमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसका भी एक मानक है कि कहाँ तक वो हमने लेना है कहाँ तक नहीं लेना। इस तरह के कॉम्बिनेशन फार्मर जो है वो ना बनाए जब तक इसमें पूरी स्टडी नहीं। हाँ, ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो सल्फर फंजीसाइड है या कैप्टान है उसको आप एचएमओ में ना मिलाएं। फिर फार्मर्स के कई बार ये भी क्वेश्चन होते हैं कि हम फंजीसाइड कब मिलाएं और कब हम एचएमओ और उसके बीच कितना समय दें, गैप दें। तो कम से कम अगर आपके फंजीसाइड का टाइम हो रहा तो और आपकी जो पॉपुलेशन है माइट की वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है तो आप पहले फंजीसाइड पे जा सकते हैं और एचएमओ का स्प्रे करने में और फंजीसाइड स्प्रे करने में कम से कम 10 दिन का गैप जरूर दें, नहीं तो टॉक्सिसिटी आने के चांस रहते हैं।